नमस्ते दोस्तों, वंडर मॉम चैनल में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ठंडे के समय में यूज होने वाले उलन गारमेंट्स, क्विल्ट और खास तौर से ब्लैंकेट, इन सभी चीजों को स्टोर करते समय मैं कौन कौन सी बातों का ध्यान रखती हूँ और उसे किस तरह से स्टोर करती हूँ, ये सारी बातें आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। लेकिन वीडियो में बढ़ने से पहले, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा दे, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो लेके आऊँ उसकी नोटिफिकेशन आपके घर तक पहुँच जाए। उलन गारमेंट्स को मशीन में या फिर हाथ में धोने से पहले उसे उल्टा कर ले, उसका चेन या फिर बटन जो भी हो उसे लगा ले, और लगा लेने के बाद जब भी आप इसे वॉश करेंगे तो इससे उलन गारमेंट्स खराब होने के डर नहीं रहते हैं। उलन गारमेंट्स को धोने से पहले उस टैग में लिखा हुआ जो इंस्ट्रक्शन होता है उसे जरूर फॉलो करें, और जब भी उसे धोए तो माइल्ड डिटर्जेंट से उसे वॉश करें जिसमें उलन का सिंबल दिया हुआ रहता है। धोने के बाद इसे अच्छी तरह से सुखा के उसके बाद ही इसे स्टोर करें। उलन गारमेंट्स, क्विल्ट, ब्लैंकेट, इन सभी को मैं जहाँ भी स्टोर करती हूँ वहाँ पे मैं नैप्थोलिन के बॉल्स को रख देती हूँ, क्योंकि नैप्थोलिन के बॉल्स नहीं रखने से उन्हीं कीड़े बहुत जल्द इसमें लग जाते हैं और ये हमारे जो उलन गारमेंट्स होते हैं उन्हें बर्बाद कर देते हैं। तो इसलिए जब भी मैं नैप्थोलिन बॉल्स रखती हूँ तो उसके पहले मैं नैप्थोलिन बॉल्स ज़रूर अच्छा वाला ख़रीद कर आती हूँ और उसे एक इस तरह के कागज़ से मैं रैप कर देती हूँ, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि अगर आप डायरेक्ट कपड़ों में अगर आप इस तरह के नैप्थोलिन बॉल्स को रख देते हैं तो इससे भी आपके कपड़े ख़राब हो सकते हैं और उसमें कभी कभी इसमें केमिकल रहने की वजह से वो छेदा भी हो जाता है। तो इसलिए सेफ साइड यह है कि इसे या तो फिर कॉटन के किसी अच्छे कपड़े में या फिर इस तरह के कागज़ में आप रैप करके आप उसको जहाँ भी आप उलन गारमेंट्स को स्टोर कर रहे हैं वहाँ पे रखें। और रखते समय एक बात का ध्यान भी रखना चाहिए कि इन्हें कभी भी कपड़ों के अंदर घुसा के नहीं रखना चाहिए, बल्कि साइड साइड से आपको रखना चाहिए। इससे क्या होता है कि अगर किसी भी तरह नैप्थोलिन बॉल्स अगर निकल भी जाते हैं तो फिर वो आपके उलन गारमेंट्स को कभी भी बर्बाद नहीं करेंगे। उलन के जितने भी स्वेटर्स या फिर जैकेट्स होते हैं मैं उन सभी को उल्टा करके इस तरह से फोल्ड करके रखती हूँ और कोशिश करती हूँ कि जितना छोटा फोल्ड हो उससे क्या होता है कि हमें कम जगह में हम ढेर सारे आपका उलन गारमेंट्स को हम रख सकते हैं। मैं यहाँ पे उलन गारमेंट्स को स्टोर करने के लिए इस तरह के जिप लॉक वाला बैग का इस्तेमाल करती हूँ। अक्सर हमारे घर में कपड़े रखने के लिए या फिर इस तरह के बहुत सारे बैग होते हैं, तो उन बैगों में अगर हम इस तरह से उलन गारमेंट्स को अच्छी तरह से फोल्ड करके और नैप्थोलिन से रखते हैं तो इससे आपका उलन गारमेंट्स बहुत अच्छा रहता है। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि घर के मेम्बर के हिसाब से सबके कपड़े अलग अलग बैग में मैं स्टोर करती हूँ। तो इससे क्या होता है जब भी हम अगले साल इसे निकालने जाते हैं या फिर ढूंढने जाते हैं तो किसी का भी सामान ढूंढना आसान हो जाता है, क्योंकि सबके बैग अलग अलग होते हैं और उसके हिसाब से उनके उलन गारमेंट्स भी रखा हुआ रहता है। तो इसे ढूंढते समय बहुत ज़्यादा हमें परेशानी नहीं होती है। उलन गारमेंट्स के साथ साथ क्विल्ट, ब्लैंकेट, इन सभी को मैं वॉश करके उसके बाद ही इसे स्टोर करती हूँ। वॉश करने का कई सारे तरीके मैं इसके पहले भी आप लोगों के साथ वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ, उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप जाके वहाँ से उस वीडियो को चेक कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इस क्विल्ट को भी फोल्ड करूँगी, इस बैग में इसे रखूँगी, उसका पहले मैं नाप देख लेती हूँ कि वो कितना बड़ा है, उस हिसाब से मैं इसका फोल्ड करूँगी ताकि वो बैग में ये अच्छी तरह से आपका पैक हो जाए। क्विल्ट को फोल्ड करते समय एक बात का ध्यान रखना होता है कि इसे जितना ज़्यादा हो सकता है थोड़ा दबा दबा के इसे फोल्ड करके बैग में रखना चाहिए। इससे क्या होता है ये बहुत ज़्यादा जगह नहीं लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक बैग में क्विल्ट के साथ इसके साथ मैं कोशिश करूँगी कि और भी कुछ मैं रख सकती हूँ, तो चलिए देख लीजिए कि मैं किस तरह से इसे छोटा से छोटा फोल्ड करने की कोशिश कर रही हूँ। मैं इसे इस बैग में रखूंगी, इसलिए इस बैग के नाप के हिसाब से मैं इसका फोल्ड कर रही हूँ और फोल्ड करके फिर मैं इस बैग के अंदर इसे स्टोर कर दूंगी। इसी तरह से मैं यहाँ पे इस ब्लैंकेट को भी
छोटा सा फोल्ड करने की कोशिश कर रही हूँ, जितना छोटा हो सकता है, और उसके बाद उसे भी मैं इस क्विल्ट के साथ इस बैग में मैं पैक कर दूँगी, और साथ में बगल में कुछ नैपथोलिन्स के बॉल को रख देंगे। तो इससे क्या होगा, ये अगले साल तक बहुत अच्छी तरह से ये स्टोर हो जाएंगे। अक्सर हमारे घर में बड़े बड़े कैरी बैग्स रह जाते हैं। जैसे अगर मैं फ्लिपकार्ट, मिंत्रा या फिर अमेजोन कहीं से भी अगर सामान मंगवाती हूँ, तो कभी कभी वो उनके साथ बहुत बड़े बड़े कैरी बैग्स देते हैं, तो मैं इन्हें फेंकती नहीं हूँ, बल्कि इस तरह के क्विल्ट या फिर ब्लैंकेट इन सभी को उसमें अच्छी तरह से पैक करके रखने के लिए मैं उसका इस्तेमाल करती हूँ। ये देखिए, इस तरह से मैं इस ब्लैंकेट को, ये बड़े वाले जो कैरी बैग्स हैं इसमें मैं, ये देखिए ये जो ब्लैंकेट है इसको मैं ये बड़ा वाला कैरी बैग में फोल्ड करके इसे अच्छी तरह से पैक करके रख दूँगी। इस कंप्यूटर को मैं रोल की तरह मैं इसे फोल्ड कर रही हूँ, क्योंकि इसे इस तरह से फोल्ड करने के बाद हमारे जो साइड पिलो के कवर होते हैं, अक्सर हमारे घर में इस तरह के बड़े बड़े पिलो कवर रह जाते हैं, तो मैं इस पिलो कवर के अंदर इसे अच्छी तरह से फोल्ड करके घुसा देंगे। तो इससे क्या होगा, देखिए ये कितने अच्छी तरह से बहुत कम जगह में ये सेट हो जाएंगे। कॉटन क्विल्ट को भी मैं स्टोर करने से पहले इसे अच्छी तरह से मैं धूप लगा लेती हूँ, और उसके बाद इसका जो कवर होते हैं उसे अच्छी तरह से वॉश करने के बाद मैं इसी क्विल्ट के अंदर इसे फोल्ड करके रख दूँगी, ताकि अगले साल जब मैं इसे निकालूँ तो इसका कवर ढूंढने में मुझे परेशानी ना हो। उसके बाद हमारे घर में अक्सर पुराने साड़ी, चद्दर या फिर हमारे जो दुपट्टे होते हैं, कुछ भी हो, मैं उससे इसका रैप करने की कोशिश करूँगी। जैसे मैं यहाँ पे इसको पहले छोटा सा फोल्ड करने की कोशिश की, और उसके बाद पुराने जो चद्दर है उससे मैं इसे इस तरह से रैप कर रही हूँ। इस तरह से मैं इसे रैप करके फिर मैं इसे स्टोर करूँगी। तो इससे क्या होता है ना, इसमें किसी भी तरह भी आपका कोई बदबू नहीं आती है, और इसमें किसी भी तरह धूल भी गिरने का चांस नहीं रहता है। ब्लेज़र, कोट, इन सभी को मैं ड्राई वॉश करके उसके बाद ही इसे स्टोर करती हूँ। इन्हें पहनने के बाद कभी भी इसे बिना ड्राई वॉश किए नहीं रखें, क्योंकि इससे क्या होता है ना, इसमें बहुत जल्द ही आपके उन्हीं कीड़े लग जाते हैं और ये उसे छेदा कर देते, इसलिए जब भी इसे आप यूज़ करें उसके बाद इसे ड्राई वॉश करके ही उसे स्टोर करें। क्विल्ट, ब्लैंकेट या फिर उलन गारमेंट्स, इन सभी को स्टोर करने के लिए हम वार्डरोब का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह का डिवान में भी इसे अच्छी तरह से पैक करके रख सकते हैं, और कभी कभी हमारे लिविंग रूम में भी जो आपका सोफा कम बेड होता है उसमें भी अगर स्टोरेज का जगह रहे तो हम वहाँ पे भी इस तरह के ब्लैंकेट या फिर क्विल्ट को स्टोर कर सकते हैं। तो आप लोगों को आज की ये वीडियो कैसी लगी ये बात आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अच्छा लगने पर इसे लाइक और शेयर जरूर करें। सब्सक्राइब करने पर मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके घर तक पहुंच जाएगी। अगली वीडियो में फिर से आप लोगों से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अलविदा।